झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को देवघर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सृजन योजना को हर घर तक पहुंचाने को लेकर देवघर में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम ऋण वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान ऋण परिसंपत्ति का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने जनता की बात को अनसुना करने वाले अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए विपक्ष को भी निशाने पर लिया। स्वरोजगार के क्षेत्र में सरकार के द्वारा उठाए गए इस कड़ी का लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे। ढाई वर्षों में हेमंत सरकार लगातार कार्य कर रही है ताकि प्रदेश का विकास हो सके। इसी कड़ी में रोजगार सृजन योजना की शुरुआत वर्ष 2021 फरवरी में की गई। इस योजना का लाभ भी कई लोगों ने लिया, लेकिन इस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे इसे लेकर देवघर में विशेष कार्यक्रम किया गया। इस दौरान मंत्री चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में चल रही सरकार के कार्यों को सराहा। उन्होंने कहा कि पलायन इस देश की मूल समस्या है, जिसे खत्म करने को लेकर इस तरह की योजना मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कोविड के समय सरकार के कार्यों की भी जमकर तारीफ की और कहा कि देश भर की सरकारों में झारखंड सरकार के द्वारा किए गए कार्य सबसे शानदार रहे। झारखंड देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। हम लोगों ने 5 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड, 15 लाख सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार जो यूपीए 2013 से लागू किया गया था, जब केंद्र में हम लोगों के सहयोग की सरकार थी उस समय ये कानून लाया। उसमें भी कुछ लिमिटेशन था और झारखंड में गरीबों की संख्या अधिक थी बेचारे, उसमें भी वो गरीब सब पूरा नहीं हो पा रहे थे। आपने कंधे पर अतिरिक्त 15 लाख और राशन कार्ड बनाकर गरीबों को बांटने का काम किया है। आज हमारी नजर इस रात के आखिरी व्यक्ति तक है जहां तक राशन कार्ड की आवाज। आज इसीलिए कई चुनौतियों के साथ, कई कोई सैलून चलाना था, कोई बाल काटने जानता होगा, जो हमारे ठाकुर भाई है बेचारा पैसा नहीं है तो दूसरे के यहाँ मजदूरी करना पड़ता, उन सब को मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने दरवाजा आपके लिए खोल रखा है। इसलिए आप सभी यहाँ उपस्थित कितने भी लाभ और जितने भी आने वाला समय में आपको लाभ पहुंचना है, उन सबों से आग्रह होगा कि सरकार हमारे राज्य सरकार का खनिज संपदा के ऊपर इतना धन राशि लेकर के बैठा हुआ है कि अगर उस धन राशि का आंकड़ा हम आपको बताएंगे तो आप भी चौंककर नाराज हैं। दूसरे राज्यों को मिलता है जहां थोड़ा बहुत कोयला निकलता है, थोड़ा बहुत लौह अयस्क निकलता है और खनिज संपदा निकलता है, वहां पर वो पैसे लोगों को मिलती है। यहां पर रैयत की जमीन में खनिज संपदा निकाला जाता है, रैयतों को औने पौने दाम का मुआवजा मिल जाता है, लेकिन सरकारी जमीन से जो खनिज निकलता है उसका 1 भी रुपया आजादी से लेकर आज तक कभी सरकार, भारत सरकार ने नहीं दिया। और नतीजा हुआ, जब हमने उसका हिसाब किताब किया तो 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार से हम पाते हैं। हमने तुरंत वो हिसाब किताब करके भारत सरकार को लिखा कि राज्य सरकार का ये पैसा बकाया है दो, अभी छीटा कस्सी में 1,500-800 करोड़ रुपया मिला। 100 साल का दरवाजा बंद, हल्का सा खुला, लेकिन आप विश्वास रखिए वो सारा का सारा पैसा हम लोग लेकर रहेंगे और इस राज्य के जनमानस और मजदूर किसानों पर बांटा जाएगा। कई हमारे नेतागण
मरते मरते बचे, कई लोग अस्पताल में। और उनको बचाने के जद्दोजहद आज भी चल रहा है। जब धीरे धीरे कोरोना खत्म हुआ तो हमने ये सोचा कि आखिर ये राज्य विकास करता क्यों नहीं। और हमेशा हम लोग ये बात बोलते हैं कि हमारे पास खनिज संपदा है, हमारे पास कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, सोना है, चांदी है, फिर भी यहाँ का लोग भुखमरी की हालत में, क्या कारण है इसके नीचे। हमें इनकी भाई ये राज्य विकास क्यों नहीं होता, लोग भुखमरी क्यों बनी रहती है इस राज्य में। जब अंदर जाके देखे अंदर की खोखली हो चुकी है। विगत वर्षों में जितनी भी सरकारों ने इस राज्य को चलाया, इस राज्य के अंदर के खजाने को पूरा खा के खत्म कर दिया। सिर्फ ऊपर झारखंड हरा भरा है। आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने ऐसे वक्त पर सरकार संभाला जहां इस राज्य को बर्बाद होने के आखिरी कगार से हम लोग, जहां आखिरी मैदान में यह राज्य खड़ा था, वहां से उसको वापस बचाने का हम लोगों ने काम किया। और इसीलिए हमने जब यहां की खनिज संपदा के अंदर खाने जाकर के पता किया कि भाई सरकार को इस खनिज संपदा से क्या फायदा, यहां के खनिज संपदा से यहां के राज्य के लोगों को क्या फायदा, क्या रॉयल्टी मिलता है, क्या गांव में बढ़ता है, क्या किसानों को बढ़ता है, क्या विस्थापितों को बढ़ता है, पता करो। जब हमने पता किया तो असलियत जो सामने आया तो सुनकर माथा घूमने लग गया। राज्यों में इधर उधर भटक रहा था और दूसरे राज्यों से उनको निकाल बाहर करने का काम किया जा रहा था। उस समय हमारे नौजवान, हमारे मजदूर सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो रहे थे। और उस समय आपकी सरकार ने उन नौजवानों को, उन मजदूरों को, उन किसानों को हवा जहाज और ट्रेनों से ला करके घर पहुंचाने का काम किया। बेचारे क्या करेंगे, जिंदा रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। झारखंड में कोई काम ही नहीं है तो दूसरे राज्यों में काम करना पड़ता है। उस समय हम लोगों की पहली प्राथमिकता थी इस राज्य के जनमानस को जिंदा बचा कर रखना, यहां के लोगों को मरने नहीं देना। दिन रात कोरोना से लड़ते लड़ते अनेक